दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में बुधवार को नवागंतुक प्रोफेसर राजर्षि गौर का स्वागत एवं व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिनेश यादव ने किया और कार्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर राजर्षि गौर ने प्लांट वायरस एंड इट्स मैनेजमेंट विषय पर अत्यंत ही सारगर्भित व्याख्यान किया। व्याख्यान के अंत में श्रोताओं द्वारा कई प्रश्न उठाए गए जिसका समाधान भी उन्होंने किया। इस अवसर पर डॉक्टर स्मृति मल, डॉक्टर सुनीता कुमारी तथा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलॉजी विभाग के नवागंतुक प्रोफेसर राजर्षि गौर और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र ने कहा, And if you have this kind of mentality that I will have this book for longer time, then you will never read that book. Moreover, if you want any book to come in the department, you can just let us know. Every student, whoever comes to the class, they have to go through the attendance. Now, they have to submit the attendance of the students to the administration. And there is a rule that the student who has not प्रोफेसर राजर्षि कुमार गौड़, इससे पहले मैं मोदी यूनिवर्सिटी में था और अभी हाल में ही जुलाई में ही हमने ज्वाइन किया यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एज अ प्रोफेसर। जो व्याख्यान है, एक्चुअली हमारे देश में फसलों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें जीवाणु, विषाणु और फंगस के बारे में होता है, लेकिन आज जो व्याख्यान है वो विषाणु के पर है, जो प्लांट में जो रोग लग जाते हैं विषाणु के कारण, वो कौन कौन से रोग हैं, उनको किस तरह से हम पहचानें और कौन कौन से उसके टेक्निक्स हैं, किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई करें ताकि हम उसको समाधान कर सकें। और जो पहले था 50 साल पहले, 60 साल पहले रेगुलर जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास टेक्निक्स थे उसके थ्रू हम करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, हम उस टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम प्लांट में जो विषाणु का जो रोग हो रहा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज का व्याख्यान इसी पर आधारित है, क्योंकि हमने अपना जो रिसर्च का काम भी किया है वो इसी पर ही है, वायरस पर ही है, विषाणु पर है, और सरकार भी इस पर काफ़ी प्रोजेक्ट देती है जिसको हम यूटिलाइज़ करके, उनके फंड प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से प्लांट वायरसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और शायद इस व्याख्यान से हमारे जो बच्चे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं उसमें कुछ और सीखेंगे और नए नए टेक्निक्स इन्वेंट करेंगे और नए नए जो समाधान हैं पादप रोगों में जो विषाणु को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा, मैं इस समय हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गोरखपुर यूनिवर्सिटी। आज बायोटेक्नोलॉजी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नए प्रोफेसर राजर्षि गौर का स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस अवसर पर पूरा बायोटेक्नोलॉजी विभाग और पूरा विश्वविद्यालय राजर्षि गौड़ के का स्वागत कर रहा है। और इस स्वागत समारोह के बाद प्रोफेसर राजर्षि गौड़ द्वारा प्लांट वायरसेस एंड इट्स मैनेजमेंट पर एक व्याख्यान दिया जाएगा। इस व्याख्यान में सभी जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उनको आमंत्रित किया गया है, सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। और यह व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्लांट वायरसेस हैं वो हमारे जो कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादकता है उसको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अतः यह व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही समोपयोगी व्याख्यान है, और इस पर एक व्याख्यान होगा अभी। और इस अवसर पर हमारे विभाग के और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर दिनेश यादव, प्रोफेसर जेवीपी राव और मैं स्वयं एज ए हेड शरद कुमार मिश्रा, हम राजर्षि गौड़ का स्वागत करते हैं। और इस विभाग में जो नवागंतुक छात्र छात्राएं हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया इन्होंने विभाग में, उनका भी स्वागत करने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है।